हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसे पहली बार कब दिया गया था और ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं और ऑस्कर अवार्ड 2023 और भारत में अब तक किन किन को ऑस्कर अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो प्लीज वीडियो अंत तक बने रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी 1927 में। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी और ऑस्कर अवार्ड पहली बार आयोजित कब किए गए थे, 1929 में, मतलब 1929 में पहली बार ये आयोजित किए गए थे। अब हम देखें कि ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये दिए जाते हैं। अब हम देखें ऑस्कर अवार्ड 2023, ये हाल ही का क्वेश्चन है कि ये किस किस को मिला है। तो देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है ब्रैंडन फ्रेजर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, और बेस्ट हम पिक्चर देखें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसकी एक और चीज है दोस्तों कि ये जो मूवी है इसको टोटल 7 पुरस्कार मिले हैं। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो इसका अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स, ये भारत की शॉर्ट फिल्म है और इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। नेक्स्ट देखे ओरिजिनल सॉन्ग, तो सॉन्ग नाटू नाटू ये मूवी RR का है और ये भारत को मिला है, मतलब भारत के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है RRR मूवी का। आप सब लोग ने जरूर इसको जरूर सुना होगा। नेक्स्ट मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये मिला है ब्लैक पैंथर मूवी को मिला है। अब हम देखते हैं कि भारत में 2023 से पहले, मतलब अभी इस साल से पहले कब कब ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो पहली बार मिला था भानु अथैया को मिला था, इन्हें 1983 में मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो इसमें हम देखेंगे किस फिल्म की, तो फिल्म गांधी की, फिल्म का नाम था गांधी और उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था भानु अथैया को। नेक्स्ट देखें सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे को 1992 में मिला था ऑस्कर। नेक्स्ट देखें AR रहमान, 2009 में मिला था इनको, स्लम डॉग मिलेनियर में के लिए ने दिया गया था AR रहमान सिंगर। नेक्स्ट मिला था रसूल पुकुटी, इनको भी 2009 में मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट मिला था गुलजार को भी 2009 में दिया गया था। अब हम देखते हैं कि पहला ऑस्कर, मतलब जो 1929 में इनका आयोजन किया गया था उसमें पहला ऑस्कर किन किन को मिला था। तो बेस्ट फिल्म देखे, बेस्ट फिल्म के लिए 2 फिल्मों के लिए दिया गया था, एक थी द लास्ट कमांड और एक थी द वे ऑफ ऑल फ्लैश। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर के लिए, तो बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था ML जन्नी को। और हम देखें कि बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था जेनेट गेनर को। थैंक यू।